आप जी क्या बताऊं अपनी शादी से पहले की कहानी कि आप कितने पानी में थे, क्या बहुत ज्यादा फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कितने नहीं। साल हो गए माशाल्लाह, अच्छे खासे साल हो गए तो सवाल तो मुझे याद है, लेकिन ये है कि बहुत यंग एज में शादी हो गई थी। शादी बहुत यंग एज में, अभी इंटर किया था तो शादी हो गई। ओके, तो इस वजह से इतना टाइम मिला नहीं। हाँ, इतना टाइम जी किचन मिचन का काम ही, किचन अम्मी से मैंने बिल्कुल नहीं सीखा। बस एक फूफा थे हमारे जिन वो खाना बहुत अच्छा पकाते थे, तो मैं उनको ऑब्जर्व करती रहती थी और देखती थी और कोशिश करती थी। इतना टाइम नहीं था कि पढ़ाई के। घर में किस चीज पे जोर डाला जाता था, जैसे इन्होंने कहा क्योंकि घर में बड़ों की इज्जत और वो बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल में हर घर में ही सिखाया जाता है बड़ों की। इनके घर में टाइमिंग, तुम्हारे टाइमिंग की पाबंदी थी और इनके घर में जो है वो रख रखाव था, पढ़ाई की सख्ती थी बहुत। आपके घर हर चीज में देखें, पहले तो ये था कि बड़ों से किस तरह रहना है। हाँ। जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी वगैरह साथ थे, तो सबको दादी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। हाँ। तो दादी बहुत गाइड करती रहती थी और अम्मी से इतना मैंने खाना पकाना नहीं आपको सीखा। क्या लगता है जॉइंट फैमिली की में जो रहती हैं बच्चियाँ, उनको ज्यादा आसानी होती है एडजस्ट करने में शादी के बाद, या जो अलग रहते हैं उनको ज्यादा होती? देखिए हर चीज की एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जॉइंट फैमिली जो अच्छे आपके अच्छे पहले वक्त में तो बहुत अच्छे लगता था कि जॉइंट फैमिली में आप रहें, बहुत हेल्प होती है, बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलती है और बच्चे बहुत अच्छी बातें अपने बड़ों से सीखते हैं। और कई डिसएडवांटेजेस होते हैं, बस ये होते हैं कि आपके अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो मैं समझती हूँ जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप में आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ पहले से ही चाहती हैं कि उनको सेपरेट रहना है, उनको स्पेस चाहिए। आजकल पहला ये होता है कि हमें स्पेस चाहिए, लेकिन फिर ये कि उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं कि आपको बच्चों को, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा, कोई आपकी सास या कोई होता है बड़ा घर में। हाँ। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी तरबियत भी होती है, जैसे मेरे साथ हुआ है। नहीं आपके, मैं ये मेरा सवाल ये है कि आप कितने पानी में थे शादी से पहले? शादी से पहले बहुत इजी लाइफ थी, मतलब कोई उठने का मुझे टाइम नहीं था, मैं आराम से उठती थी, अपना कॉलेज जाती, पढ़ाई पे टाइम देती, केयर फ्री बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये कि हाँ बड़ों के साथ बैठते थे, उनसे सीखते। आपकी शादी हो गई तो आपको आपकी जिम्मेदारियाँ जो कि पड़ती है, चाहे आप कुछ भी किसी भी क्लास से ताल्लुक हो, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर बिल्कुल पड़ती हैं। ये डॉक्टर हैं बिल्कुल, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ। मैंने जब शो शुरू किया था तो मुझे कितनी सारी डॉक्टर्स जो हैं वो फोन करती थी रोते हुए। आई डोंट नो, कभी कभार होता है ना कि उनको नंबर मिल जाता है, मुझे प्लीज 5 मिनट बात कर लें। तो मैंने बात की उस वक्त शुरू, तो वो कहती थी मैंने डॉक्टर मैं बन गई, मैंने इतनी मेहनत की पर मेरी सीट जाया हो गई क्योंकि अब मैं सिर्फ घर संभालती हूँ। बिल्कुल, मेरा सारा, मेरे ख्याल में तो ये बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। एक डॉक्टर से अगर कोई शादी करवा रहे हैं तो ये तो देखें अगर डॉक्टर है उसका एक करियर है, क्यों शादी करवा रहा कह रही हूँ। पर मैं आपको बताऊं कि लोग रिश्ते के लिए, रिश्ते वालों को कहते हैं हमारे बेटे के लिए डॉक्टर ढूंढना और फिर उनसे काम स्पेशली कहा जाता है कि ये हमारे बेटे के लिए फलानी चीज चाहिए। ओके, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।